नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार अभियान थमने से पहले दो दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही रहे। इस दौरान पीएम ने जनसभा और रोड शो किया। पीएम के दो दिवसीय प्रवास के दौरान उनके 8 विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आखिरी चरण की 54 सीटों के लिए पूरी ताकत लगा दी। गठबंधन के नेताओं के साथ अखिलेश ने पूरे पूर्वांचल में खूब रैलियां की। हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैलियां का आयोजन हुआ और रैली में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जौनपुर में रोड शो किया। इस दौरान कई किलोमीटर दूर तक लोगों का हुजूम देखने को मिला। प्रियंका ने भी पूर्वांचल में पूरी ताकत के साथ प्रचार किया। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया में भले ही बसपा को लेकर ज्यादा चर्चा न हुई हो, लेकिन बसपा की रैलियों में उमड़ रहे लोगों के हुजूम ने विपक्ष को परेशान किया है। सवाल जो सबसे बड़ा है कि प्रियंका गांधी की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वजह यह है कि खास करके प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता रही हैं यूपी चुनाव के दौरान जिन ज़्यादा से ज़्यादा फोटो वायरल हुए, सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें पसंद किया। और ये भी देखने को मिला कि प्रियंका गांधी किस तरीके से लगातार लोगों को लुभा रही हैं। लोग उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, घरों पर चढ़कर उनके रोड शो देखने के लिए परेशान हो रही हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी तमाम नेताओं से अलग दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन देखना यही होगा कि चुनाव प्रचार थमने के साथ साथ क्या ये भीड़, ये ऑटोग्राफ, ये सेल्फियाँ, ये तमाम चीज़ जो प्रियंका गांधी के साथ देखने को मिला, क्या ये जीत में तब्दील हो पाएगा, जो सबसे अहम सवाल है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN न्यूज़।